सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा की जयंती पर संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा सरकार बनने पर विश्वकर्मा बोर्ड बनाएंगे और विश्वकर्मा पूजा के दिन फिर से छुट्टी घोषित करेंगे। इस दौरान यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि इससे पहले विश्वकर्मा समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को सुदर्शन चक्र देकर सम्मानित किया। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव के दौरान ईवीएम और डीएम से सावधान रहना। सीएम ने विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी खत्म की और ये सरकार हमारी आपकी गिनती नहीं करती। बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया, हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है।